YouTube ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ नासिर कुरैशी और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश पब्लिक सब जानती है। और इसमें कुछ शक नहीं है कि पब्लिक सब जानती है, देश के बहुत सारे हिस्सों में चुनाव होने हैं, बहुत सारे हिस्सों में क्या पूरे देश में चुनाव होने हैं। और इन चुनावों की अगर बात की जाए, लोकसभा के चुनावों की बात की जाए, तो बहुत सारी बातें निकल कर सामने आ रही हैं। वैसे सियासत में चेहरों का बड़ा फर्क पड़ता है, चेहरे कई बार चुनाव जिता देते हैं और चेहरों की वजह से लोग चुनाव हार भी जाते हैं। और अब भी चेहरों का दमखम इस बार के चुनावों में दिखाई देगा। पहले एक चेहरा था और उसमें कोई शक नहीं कि मोदी के चेहरे ने बीजेपी की नैया पार लगा दी थी और जिस तरह से पूर्ण बहुमत दिलाया था, अब उसको लेकर बहुत सारी चीजें निकलकर सामने आ रही हैं कि शायद ऐसा अब हो भी पाएगा या नहीं। वहीं दूसरी तरफ अगर अभी की बात की जाए, तो अब उत्तर प्रदेश की सियासत में प्रियंका गांधी का चेहरा बहुत मायने रखता है और कहा जा रहा है कि इससे फर्क पड़ेगा यूपी की सियासत पर, तो उसके साथ ही आसपास के जो और इलाके हैं वहां पर भी। इसी पर आज हम बात करेंगे और एक सर्वे हमने कराया है इसको लेकर कि प्रियंका गांधी के राजनीति में आने से, कांग्रेस का महासचिव बनाए जाने से यूपी में जो कांग्रेस की हवा बदलती दिख रही है, इसको देखकर ये कहा जा रहा है, इस तरह के कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या हरियाणा की सियासत में भी, हरियाणा की राजनीति में भी इससे फर्क पड़ेगा, क्या हरियाणा की सियासत में भी कांग्रेस की बेहतर एंट्री हो सकती है और क्या हरियाणा की सियासत में भी प्रियंका गांधी की खास निगाहें होंगी। ए बाबू, ये पब्लिक है, पब्लिक ये जो पब्लिक है ये सब जानती है, पब्लिक है ये जो पब्लिक है ये सब जानती है, पब्लिक है। हरियाणा की जो राजनीति है वो यूपी से थोड़ी अलग है, पूरी तरह से अलग कह सकते हैं, किसी ने कहा कि थोड़ी सी अलग है। ऐसे में इस बड़े सवाल को लेकर खबरें अभी तक ने हरियाणा की जनता से उनकी राय जाननी चाहिए और ये समझने की कोशिश की कि हरियाणा की जनता क्या सोचती है और प्रियंका गांधी को लेकर उनकी क्या राय है। हरियाणा की राजनीति में प्रियंका की एंट्री होने से कितना असर होगा और कांग्रेस पार्टी को कितना फायदा होगा, इसको लेकर हमने एक कोशिश की और एक सर्वे कराया। उसका रिजल्ट आपको आखिर में दिखाएंगे कि कितने लोगों का क्या कुछ सोचना है कांग्रेस की तरफ से आने वाले वक्त में हरियाणा की राजनीति में, जिस तरह से प्रियंका गांधी यूपी की राजनीति को प्रभावित कर रही है। और इसमें सभी लोग ये कह रहे हैं, जो जानकार हैं, कि हाँ इससे फर्क तो पड़ रहा है। और जिस तरह से उन्होंने लखनऊ में एक रैली की, उसके बाद तो और भी लोगों को लगने लगा कि हाँ अब कांग्रेस के लिए रास्ते बहुत से ठीक हैं और प्रियंका गांधी के, ज्योतिरादित्य सिंधिया के आने से फर्क पड़ेगा और ये पार्टी यहाँ पर बेहतर प्रदर्शन कर पाएगी। लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि दूसरे राज्यों में, खासतौर से अगर हम हरियाणा की बात करें, तो यहाँ पर प्रियंका गांधी को लेकर लोगों का क्या कुछ सोचना है वो सुनते हैं। प्रियंका गांधी गांधी परिवार की बेटी है, बड़ी राजनीति में आई है, तो कहीं ना कहीं बड़ा असर ये है, वो मेरे को कांग्रेस को उसका फायदा और विपक्ष को इसका नुकसान है। सर, प्रियंका गांधी इतना हाईलाइटेड नाम नहीं है, वो जब भी आता है, जब चुनावों की बात आती है तो अपने आप को उनको आगे किया जाता है कांग्रेस के द्वारा, पर मुझे नहीं लगता कि प्रियंका गांधी का हरियाणा में कोई असर पड़ेगा। ये तो ऑलरेडी इसका तो हस्बैंड करप्ट है, तो ये भी मिली हुई होगी प्रियंका गांधी भी, तो उससे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? ये तो पब्लिक पागल थोड़ी ना, सबको दिखता है क्या हो रहा है। तो अलग अलग लोगों की अलग अलग राय है, कुछ और लोगों ने क्या कुछ कहा वो भी सुनते हैं। एक सर्वे हमने कराया था वो आखिर में आपको दिखाएंगे। एक फैमिली बिलोंग, पॉलिटिकल फैमिली से बिलोंग करती हैं और बहुत ये पुरानी पार्टी है, तो ऐसा नहीं है कि कोई असर नहीं है, असर तो होगा, पक्का होगा, मगर कितना होगा ये देखने वाली बात है। तो जानते नहीं प्रियंका गांधी को कब वो आती है कब जाती है, खाली कैंपेनिंग के टाइम पर ही वो साड़ी वाड़ी पहन के आती है, बाकी तो वो अपना वेस्टर्न लुक में रहती है। बट तो आई डोंट थिंक सो कि कोई फर्क पड़ने वाला है या पड़ेगा, एक आधा परसेंट हो सकता है, मतलब मेजर कुछ इफेक्ट नहीं डालेगा। बिल्कुल नहीं होगा, 1-2% की तो कहते नहीं, अदरवाइज कोई फर्क नहीं होगा, क्यों मतदाता जो है जागरूक हो चुका है और ना ही किसी के नेताओं के बहकावे में आने वाला है ये। तो अलग अलग लोगों की अलग अलग राय होती है और वो होना भी जरूरी है, अच्छी बात है। कुछ लोगों को लग रहा है कि देखिए फर्क तो पड़ता है जब कोई बड़ा चेहरा आता है, किसी ने कहा कि देखिए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी को लगता है कि उनके जो पति की छवि उसका भी उन पर असर पड़ सकता है। तो और भी कुछ लोगों ने क्या कुछ कहा वो भी सुनते हैं। अगर प्रियंका गांधी जी चुनाव प्रचार में आगे आकर
अपनी कांग्रेस की अगुवाई करती है, एक तो सबसे पहले उससे जो भी खेती है गुटबाई चल रही है वो खत्म हो जाएगी और ओवरऑल उनकी सारी टीम को साथ लेके चलेगी और उन सारी टीम को आगे बढ़ाने का उनमें बहुत बढ़िया क्षमता है। कोई 1% भी असर नहीं पड़ना क्योंकि बीजेपी 101% आएगी हरियाणा में, इसको कोई रोक ही नहीं सकता। कोई असर नहीं रहेगा उसका, अगर प्रियंका गांधी चुनाव में आती है तो उसका कोई ज्यादा असर नहीं रहेगा क्योंकि कांग्रेस को जीरो मात्र फायदा हो। कांग्रेस ने किया क्या है? दक्षिणी हरियाणा को क्या दिया है कांग्रेस ने? कोहली अलका को क्या दिया है कांग्रेस बताए? प्रियंका किस मुद्दे पर प्रचार करेगी जी वो बताए? तो अगर इस बात को लेकर लोगों में जो प्रतिक्रियाएं हैं उससे भी बड़ा फर्क पड़ता है क्योंकि इसी आवाम को, इसी जनता को, इसी पब्लिक को रिझाने की कोशिश राजनीतिक पार्टियां करती हैं और चेहरों के नाम से पब्लिक को रिझाने की कोशिश राजनीतिक पार्टियां करती हैं। और दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो हरियाणा की जनता भी, कुछ लोगों का ये मानना है कि यहाँ पर भी कोशिशें होंगी और जाहिर सी बात है कि उनसे प्रचार कराने की भी बार बार कोशिशें की जाएंगी कि वो दूसरे इलाकों में, क्योंकि हरियाणा में कांग्रेस पहले बहुत मजबूत थी, फिर पिछली बार तो ये हाल हुआ कि सिर्फ एक ही सीट पर सिमट कर रह गई, तो उससे कितना फर्क पड़ने वाला है। यूपी की राजनीति में प्रियंका गांधी के आने से कुछ लोगों ने कहा कि यहाँ पर कांग्रेस को जितना फायदा होगा उससे ज़्यादा वो थोड़ा सा नुकसान सपा बसपा का कर सकती हैं, लेकिन अलग अलग लोगों की अलग अलग राय निकल कर सामने आती है और इसी को लेकर कुछ लोगों ने कहा कि हरियाणा में क्या कुछ इसका असर होगा, इस पर कुछ बात कीजिए। तो हमने एक सर्वे कराया, वो आपको आखिर में दिखाएंगे क्या कुछ इसका रिजल्ट है, लोगों का और क्या कुछ कहना है वो सुनते हैं। हरियाणा में बहुत अच्छा असर होगा प्रियंका गांधी के आने से, सब हमारी लोग इंदिरा गांधी के रूप में देखते हैं उनको और हरियाणा में भी सरकार बनेगी उनके आने से और सेंटर में भी सरकार बनेगी क्योंकि बीजेपी ने जो भी जितने भी कार्य करवाए हैं, विकास कार्य बहुत अधिक विकास कार्य करवाए हैं जिससे जनता प्रसन्न है। प्रियंका गांधी जो है, गांधी जी जो हैं, जो हरियाणा में विधानसभा चुनाव को लेकर प्रचार जो करेंगी, हालांकि प्रचार वो करेंगी एक महिला वो है, लेकिन उस प्रचार का असर थोड़ा बहुत पड़ेगा। तो बहुत सारे लोगों की अलग अलग, लोगों की अलग अलग राय है और लोगों का ये मानना है कि अगर वो प्रचार यहाँ पर करने के लिए आती हैं तो इससे हरियाणा कांग्रेस को फायदा होगा और उसका फायदा ये होगा कि सीटों में बढ़ोतरी हो सकती है। जानकार भी कह रहे हैं कि हाँ, इसका असर जरूर होता है, चेहरों से बड़ा फर्क पड़ता है क्योंकि पिछली बार के जो चुनाव थे वो मोदी लहर में बहुत सारे ऐसे लोगों की नैया पार लग गई थी जिनके चेहरे उनके क्षेत्रों में कोई नहीं जानते थे और इसमें कोई शक नहीं है। जैसे कि दिल्ली की मिसाल है अरविंद केजरीवाल की, उनके पार्टी के जो लोगों ने चुनाव जीता था बहुत सारे ऐसे लोग थे कि शहर तो क्या, उनके विधानसभा क्षेत्र तो क्या, उनके दूसरे मोहल्लों के, दूसरे कॉलोनियों के लोग उनको नहीं जानते थे और सियासत में होता है, लेकिन ये बड़ा चुनाव है, लोकसभा का चुनाव है, देश भर में इसका धूम रहेगी। तो ज्योतिराज सिंधिया को जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश की उनको कमान मिली है, तकरीबन 39 सीट उनके हिस्से में आई है, वहाँ पर उनको मेहनत करनी है, बेहतर प्रदर्शन करना है। प्रियंका गांधी के हिस्से में 41 सीटें आई हैं, उनकी 41 सीटों को जिम्मेदारी लगाई गई है पूर्वी उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए। तो इससे हरियाणा की जो राजनीति है, क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश से हरियाणा मिला हुआ है, कई ज़िले हरियाणा के दूसरे ज़िलों से मिले हुए हैं, तो यहाँ पर किस तरह का असर देखने को मिलेगा और अगर प्रियंका गांधी प्रचार करने के लिए यहाँ पर आती हैं तो क्या कुछ माहौल में बदलाव आएगा या फिर लोगों ने एक सोच अपनी पहले से ही बना रखी है, उसको लेकर हमने लोगों से बातचीत की, अलग अलग प्रतिक्रियाएँ लोगों की आई, एक सर्वे हमने कराया था उसका रिजल्ट भी आपको बताएंगे, कुछ और लोगों की जो प्रतिक्रियाएँ हैं वो सुन लेते हैं। अच्छा प्रभाव पड़ेगा उसका, अच्छे सीटों पर प्रभाव पड़ेगा। जो एमपी की सीट है वो लगभग मान लो 9 सीट जीतती है कांग्रेस, प्रियंका गांधी और राहुल गांधी दोनों करते हैं, उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा प्रचार का। तो रुपका इक्का बता रही, जिसका घरवालों ने जो मतलब करोड़ों और बहुत जायदाद का इतना घोटाला कर रखा तो उसका तो रुपका इक्का क्या माना जाएगा, उसका किस भी इस पर मान ली तो रुपका इक्का इसको ना जी नहीं पैंता, इतने तो प्रभाव नहीं पैंता। मोदी यार वधिया बंदा, उन्हें जो भी किता सही है। दरअसल बात यह है कि प्रियंका गांधी के सक्रिय राजनीति में आने से तमाम कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता उत्साहित हैं, चाहे वो देश के किसी भी हिस्से में हो। प्रियंका गांधी के जो पति हैं रॉबर्ट वाड्रा, उनका हरियाणा से एक अपना रिश्ता रहा है, अलग रिश्ता रहा है, वो आप सभी को पता है, जमीन के मामलों में और हुड्डा सरकार और उनको लेकर कई बार सवाल उठे हैं, केस चल रहा है कोर्ट में। तो उस पर जब बात आती है, जो अशोक खेमका यहीं के ऑफिसर थे उन्होंने इस मामले को उठाया, फिर ये मामला कोर्ट तक पहुंचा, फिर इस मामले में बड़ी बड़ी बातें हुई। पिछली बार तो इस मामले को लेकर चुनाव में मुख्य मुद्दा बनाया गया बीजेपी की तरफ से खासतौर से, और बीजेपी के नेता ये दावा करते थे कि सरकार में आने दीजिए बस, रॉबर्ट वाड्रा जेल में होंगे। तो प्रियंका गांधी के जो पति हैं रॉबर्ट वाड्रा, उनका यहाँ पर इस तरह से नाम उछला।
अब प्रियंका गांधी की सियासत हरियाणा को किस तरह से प्रभावित करेगी, जो एक कुछ ना कुछ लोगों में उनके पति को लेकर बहुत सी बातें हैं, क्या उनको वो दूर करेंगी भ्रांतियों को, इस तरह की बातें हैं जो लोगों ने सोच रखा है। बाकी कोर्ट में केस चल रहा है, उसमें क्या कुछ फैसले होंगे वो अलग बात है, और बहुत सारे सवाल लगातार उठते रहे। रॉबर्ट वाड्रा कहते रहे कि उनको जानबूझकर परेशान किया जा रहा है, उन्होंने कोई गलत काम नहीं किया, वो अलग बात है, कोर्ट अपना काम करता है उस मामले में। तो प्रियंका गांधी, क्योंकि अगर बात की जाए तो दिल्ली से नज़दीक हरियाणा है, यूपी से जुड़ा हुआ हरियाणा है, तो जिस हवा को हम कहते हैं ना कि किसी इलाके में बर्फ़ पड़ी है, बारिश हो रही है, तो उसकी हवाएं दूसरे इलाकों में पहुंचती हैं तो मौसम वहां भी ठंडा हो जाता है। तो प्रियंका गांधी जो उत्तर प्रदेश की सियासत में आई हैं और फिर लखनऊ में उनका जिस तरह से रैली हुई और उन्होंने जिस तरह से प्रचार किया, अपनी लोगों को जोड़ा, तो उसकी हवाएं क्या यहां पर पहुंचेंगी हरियाणा में, और क्या हरियाणा के नेताओं को कुछ फ़ायदा होगा, और कुछ लोगों ने कहा है वो सुन लेते हैं। मिलेगी कैसे, क्योंकि यहाँ ये एरिया जो है तकरीबन दीपेंद्र का है और उसने बहुत काम करवा रखा है, कांग्रेस ने जितना ज्यादा काम करवाया बीजेपी ने बिल्कुल नहीं करवाया जी। तो हरियाणा में ज्यादा से ज्यादा चांस कांग्रेस के नहीं भैया, मेरे को नहीं लगता कि इसका कोई प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि कांग्रेस के पास पहले भी अपने कुछ चेहरे हैं और जो कांग्रेस की पार्टी है वो क्षेत्रवाद और जातिवाद से चलती है, तो मेरे को नहीं लगता कोई ज्यादा प्रभाव पड़ेगा इससे। देखिए सियासी जो दाव पे चल रहे हैं उसमें लोकसभा से पहले अगर बनाना है तो ऑब्वियस सी बात है कि वो प्रियंका गांधी को राहुल गांधी का एक तरह से मोहरा ही मान के चल रहे हैं, लेकिन हरियाणा की राजनीति में शायद वो चीज़ इतनी कारगर ना रहे, क्योंकि बीजेपी की लहर चली रही है, मोदी का नाम जो चल रहा है, इतना फर्क नहीं आएगा जो शायद कांग्रेस उम्मीद कर रही है। तो अभी आपको लगातार हम लोगों की प्रतिक्रियाएं सुनाते हैं, कुछ और लोगों ने अपनी बात कही है वो भी सुनते हैं। जरूर मिलेगी। कैसे सर? क्योंकि अभी नई नेता है वो और उसकी छवि अलग है, लोग उसको इंदिरा से जोड़ रहे हैं और उनमें कुछ अक्स उनका दिखाई भी देता है, तो लगता है उससे जरूर कांग्रेस को फायदा होगा। हरियाणा में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, जय मोदी की लहर है, महंगाई के और नौकरी जो नौकरी लगी है अब ये क्लास डी के लिए, ये बहुत बढ़िया काम किया मोदी ने जी। बिल्कुल नहीं पड़ेगा, क्योंकि मोदी की एक तरफा लहर है और जो पढ़ा लिखा समझदार आदमी है वो सब मोदी को वोट देगा। लेकिन कांग्रेस ने जब से जवाहरलाल प्रधानमंत्री बने थे उनके बाद ये इंदिरा गांधी जी आ गई, लेकिन समाज को आगे बढ़ाने के लिए कोई भी ऐसा नहीं उतरा इस परिवार में से जो वाल्मीकि समाज को आगे बढ़ा दे। क्या उनकी भुखमरी नहीं दिखती इनको? ये राहुल गांधी आ लिए, राहुल गांधी के बाद प्रियंका जी को भी लिया है, क्या हमारे देश का गरीब जनता को कर सकते हैं? अरे गरीब को कैसे मना करेंगे, गरीबी खत्म कर दिए, गरीब को दूर रखते हैं, अपना राज कैसे चलाएं, गुलामी कैसे करवाएं, ये गुलामी फिर लेना चाहते हैं। कांग्रेस पार्टी का देह है हम राज करें और चम्मच चांदी के चम्मच में घना खाएं और फिर गरीब को गरीब का करके ना और फिर देश को गुलाम ले जाएंगे। ये जो सर्वे हमने कराया है वो हरियाणा को लेकर कराया गया है कि हरियाणा पर प्रियंका गांधी का कितना असर होगा, यूपी में क्या कुछ होना है, किस तरह की चीजें आ रही है वो अलग चीज है, लेकिन हरियाणा को लेकर आखिर में उसका रिजल्ट बताएंगे। प्रियंका गांधी जब से सियासत में आई हैं उनको लेकर बहुत सारी बातें की जा रही हैं, उनकी छवि को लेकर लोगों ने बात की, उनके परिवार को लेकर लोगों ने बात की, उनकी ससुराल और उनके मायके को लेकर लोगों ने बात की, कुछ लोगों ने उनके पर्सनल लाइफ पर भी सवाल खड़े किए, कुछ लोगों ने उनकी जिंदगी को लेकर और खुद प्रियंका गांधी को लेकर उनकी खूबसूरती को लेकर कुछ इस तरह के कमेंट किए कि वो कहीं ना कहीं लगे कि लोगों ने अपनी हदें पार की हैं, और उसको लेकर लोगों ने फिर कांग्रेस ने एक मुहिम चलाई और जो अलग अलग जगहों पर कांग्रेस ने रिपोर्ट दर्ज कराई पुलिस के अंदर, उसको लेकर भी बहुत सारे लोगों पर कार्रवाई हुई है। लेकिन प्रियंका गांधी जब सियासत में आई हैं सक्रिय रूप से, हालांकि इससे पहले वो उत्तर प्रदेश की सियासत में रहती थी, वो अपनी पार्टी के कुछ कामों में भी इन्वॉल्व रहती थी, लेकिन खासतौर से जब वो चुनाव प्रचार की बात आती है तो वो सिर्फ दो सीटों पर चुनाव प्रचार करने के लिए जरूर जाती थी और उनकी कमान उनके हाथ में रहती थी, एक रायबरेली जहां से उनकी मां सोनिया गांधी चुनाव लड़ती हैं और एक अमेठी जहां से उनके भाई राहुल गांधी चुनाव लड़ते हैं, और वो यहां पर काफ़ी दिन से सक्रिय थी और अपने लोगों के बीच में उनका जाना आना ये हमेशा से वहां पर रहा है। अपनी छवि को लेकर उनकी छवि जो है उनकी दादी में मिला रहे हैं लोग, इंदिरा गांधी से प्रियंका गांधी को मिलाते हैं, उनकी शक्ल और सूरत से मिलाते हैं, उनके पहनने ओढ़ने से मिलाते हैं। जब इस तरह की चीज़ें होती हैं और जब एक लोगों में किसी तरह को किसी को लेकर अट्रैक्शन होता है, एक आकर्षण होता है,
तो उसमें इनकार नहीं किया जा सकता कि हाँ प्रियंका गांधी को लेकर वो आकर्षण है। और कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता एक लंबे वक्त से प्रियंका गांधी को सक्रिय राजनीति में लाने की मांग कर रहे थे। अब इस तरह से जिस वक्त में आज 2019 के चुनाव की अगर बात की जाए तो ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण तमाम राजनीतिक पार्टियों के लिए हो चुका है और इससे कोई भी राजनीतिक पार्टी और कोई भी नेता इनकार नहीं कर रहा। तो ऐसे वक्त में जब प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश की सियासत में आती हैं और उनको एक जिम्मेदारी दी जाती है, ऐसा ही नहीं कि उनको सियासत में लाया गया है चुनाव लड़वाएंगे बल्कि उनको जिम्मेदारी दी जाती है कुछ सीटों की, तो फिर ये सवाल खड़ा होता है कि क्या दूसरे प्रदेशों में भी उसका असर पड़ेगा, क्या वहां से जो कांग्रेस के पक्ष में अगर हवाएं हैं तो क्या दूसरे प्रदेशों में भी उसकी हवा नजर आएगी। तो हरियाणा में लोगों का क्या कुछ मानना है इसको लेकर हमने एक सर्वे कराया, उस पर आपको रिजल्ट दिखाएंगे कि क्या हरियाणा की सियासत पर इसका असर पड़ेगा। यूपी में क्या असर होना है नहीं होना वो अलग बात है, हरियाणा में क्या कुछ असर पड़ेगा उस पर हम बात करेंगे। लोगों का क्या कुछ कहना है एक बार फिर से सुन लेते हैं। कितना फायदा प्रियंका गांधी के आने से हरियाणा में कांग्रेस पार्टी को बहुत मजबूती मिलने जा रही है। कैसे? उनका जादू ऐसा है, जब कल देखा होगा यूपी में भी बहुत ज़्यादा जादू चल रहा था, हरियाणा में भी जादू होगा इनका। सर प्रियंका गांधी भी उसी परिवार से है जो परिवार सोनिया गांधी का था, राजीव गांधी का था, इंदिरा गांधी से था। ये तो एक परिवार की परंपरा चलती हुई आ रही है कि जो परिवार से पहले प्रधानमंत्री बने उसी परिवार से जो आगे लेके आ रहे हैं। किसी आम आदमी को तो मोहल्ले का मौका ही नहीं मिलता वहाँ पे, वो सिर्फ अपने परिवार को ही आगे लाने की कोशिश कर रहे हैं, किसी और आम आदमी को कोई मौका ही नहीं दे रहे उस चीज़ के लिए। ऐसा जी प्रियंका गांधी का कोई वजूद नहीं है, ये तो राहुल गांधी की नाकामियों को छुपाने के लिए प्रियंका गांधी को लेकर आया गया है। इनकी कांग्रेस की तो एक वंशवाद की राजनीति है, उनसे हटकर तो ये कुछ कर ही नहीं सकते। अब प्रियंका गांधी जी आ गई, उसके बाद वाड्रा जी आ जाएंगे, उसके लड़के आ जाएंगे, तो इर्द गिर्द गांधी परिवार के इर्द गिर्द इनकी राजनीति घूमेंगी। कोई वजूद नहीं है इनका और इसका पता लोकसभा के इलेक्शन में पता चल जाएगा। टीवी देखकर लोगों की जो प्रतिक्रियाएं उस पर असर पड़ता है, जो नेताओं की जुबानों से बात निकलती हैं, पार्टियों के प्रवक्ताओं की जुबानों से बात निकलती हैं, तो फिर उनको लेकर लोगों की तरफ से भी अपनी बातें कही जाती हैं। जैसे आपने सुना किसी ने कहा कि हाँ असर पड़ने वाला है, और ये बात इसमें कोई शक नहीं कि हरियाणा के लोग हुए, उत्तर प्रदेश के लोग हुए, बिहार के लोग हुए, पॉलिटिकली अगर देखा जाए, राजनीतिक लिहाज से देखा जाए तो थोड़े एक्टिव ज़रूर होते हैं। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि एक परिवार की बात है, परिवार में सीढ़ी दर सीढ़ी परिवार के लोग आगे बढ़ते हैं। किसी ने कहा कि परिवार ने कुर्बानियाँ दी हैं, देश की आज़ादी में भी अपना योगदान उन्होंने दिया है, और जब कोई राजनीति में आता है तो ये तो जनता के बीच में आ रहे हैं, वो लोग जनता के बीच में आ रहे हैं, जनता पसंद करेगी तो उनको रखेगी, जनता नहीं पसंद करेगी तो बाहर खड़ा कर देगी। और ये जनता के हाथ में लोकतंत्र में चुनाव कोई ऐसा तो नहीं है कि वो आए उनकी पार्टी ने उनको संसद में पहुंचा दे, बल्कि चुनाव के मैदान में आते हैं और उनकी मेहनत का पता चल जाता है। और लोगों का क्या कुछ कहना है वो भी सुनते हैं। एकदम कम से कम 30% ऐसा है, कांग्रेस पार्टी ने खाली एक मुद्दे पे प्रियंका गांधी को उतारा है, वो क्या कि भाई ये बहुत सुंदर है, हो सकता है कि ये इस साल पे हो कि भाई जैसे इंदिरा गांधी थी और हम उसी लेवल पे हम प्रियंका गांधी से मुकाबला करवाएं, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन ये तो कभी प्रियंका गांधी तो कभी राहुल गांधी, कभी राहुल गांधी तो कभी मेनका गांधी, ये ऐसा नहीं होता, ये तो देश को पीछे करने वाली बात है। नहीं, प्रियंका से प्रचार से कोई फ़ायदा नहीं लग रहा है मुझे तो। एक तरफा मोदी जी की लहर है, मोदी ने देश के लिए अच्छा काम किया है, पर इसके प्रचार से कोई मेरे हिसाब से कोई फायदा नहीं। तो इसी बाइट में एक और हमारे जो दर्शक थे उन्होंने भी बात कर दी खूबसूरती की, हालांकि इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए। सियासत में लोग खूबसूरती या अपनी ताकत, अपने जिसमें इसको लेकर नहीं, बल्कि वो तो जनता अपनी सोच को लेकर आते हैं और सोच ही लोगों को आगे बढ़ने में मदद करती है या पीछे ढकेल देती है। जिसकी सोच जनता से मिल जाए, जनता उसकी सोच को पसंद कर ले, उसका असर ज़रूर होता है। अलग अलग प्रतिक्रियाएं लोगों की आपने सुनी कि कितना असर होने वाला है हरियाणा की सियासत में, हम उसी को लेकर बात करें प्रियंका गांधी के आने से और कितना नहीं। दूसरी तरफ गांधी परिवार की अगर बात की जाए तो और भी उनके जो सदस्य हैं, मेनका गांधी हैं, वरुण गांधी हैं, वो भी राजनीति में हैं, हालांकि वो बीजेपी में है तो इसलिए बहुत सारे लोग उनको भी भूल जाते हैं, किसी ने उनका जिक्र भी कर दिया। अब जो सर्वे हमने कराया था वो रिजल्ट आपको बताते हैं कि क्या कुछ रिजल्ट रहा। टोटली अगर हम बात करें तो कितने लोगों ने कहा कि इसका असर होगा और कितने लोगों ने कहा असर नहीं होगा। 30% लोगों का मानना है कि प्रियंका गांधी का सियासत में, हरियाणा की राजनीति में असर होगा, हरियाणा की राजनीति को भी प्रभावित करेंगी प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी संभालते हुए। 70% लोगों का यह कहना है कि असर नहीं होगा, हरियाणा की राजनीति पर इसका कोई असर नहीं पड़ने वाला। ये एक सर्वे हमने कराया,
अलग अलग मुद्दों को लेकर हम सर्वे करा रहे हैं, तो आज इस मुद्दे पर था यूपी। यहाँ पर आप एक बात ध्यान रखिए कि ये उत्तर प्रदेश में इसका बिल्कुल भी असर की बात नहीं है। उत्तर प्रदेश में क्या होना है क्या नहीं वो अलग बात है, ये हरियाणा की बात हम कर रहे हैं कि क्या प्रियंका गांधी का हरियाणा पर असर होगा, हरियाणा की राजनीति पर भी उनके आने से असर होगा। इस पर 30% लोगों ने कहा है कि इसका कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, प्रियंका गांधी का हरियाणा की राजनीति में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। 70% लोगों का कहना है कि कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, और 30% लोगों ने कहा कि हाँ इसका असर होगा, प्रियंका गांधी अगर हरियाणा में प्रचार करने आती हैं, प्रियंका गांधी अगर हरियाणा की राजनीति में भी थोड़ी बहुत दिलचस्पी लेती हैं तो उसका असर होगा। और ये आपके सामने एक सर्वे हमने पेश किया, 70% लोगों का कहना है कि कोई असर नहीं होना प्रियंका गांधी का, और किसी तरह से नहीं, एक लहर है मोदी की वो भी इस बार भी है। 30% लोगों ने कहा कि हाँ जी असर होना है, फर्क पड़ता है, और यूपी का फर्क यहाँ भी दिखेगा, प्रियंका गांधी उनका भी फर्क यहाँ पर पड़ेगा अगर वो यहाँ पर चुनाव प्रचार करने आती हैं। बाकी जब चुनाव होंगे तो सारी बातें पता चल जाएंगी। इस कार्यक्रम में इतना ही, लेकिन खबरें अभी तक पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप बने रहें खबरें अभी तक के साथ। नमस्कार।